बालाजी की प्रेरणा अनुसार श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार मार्गदर्शन में दरबार के क्रम में पहली अर्जी जिस पंडाल में हम बैठे हैं इसी पंडाल के ये दो डी छोड़कर, डी का मतलब है ये जो रेलिंग लगी, दो डी छोड़कर सामने में ही अरुण नाम के एक भैया विराजमान हैं। हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाफ टी शर्ट पहने होंगे, अरुण नाम होगा, कोने की तरफ विराजमान होंगे, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। जी 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 आप हैं, आइए आइए। हाफ टी शर्ट वाले, हाँ दूसरी अर्जी, राम राम, गुरुजी सीताराम, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी। यहां दाएं हाथ से राहुल नाम के भैया की अर्जी, दरबार प्रांगण के दाएं हाथ से एलईडी के पास हाफ टी शर्ट में, आज सफेद टी शर्ट होगी, आ जाइएगा। आने देना। तीसरी अर्जी, राम राम राम, मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो, बालाजी आप पर कृपा करें। देखो उनकी प्रेरणा के अनुसार ही दरबार का क्रम होता है। साधु जी, हाँ माताओं में सामने में गुरु जी का कहना, ज्योति नाम की बहन जी, ज्योति नाम की बहन जी, ये जो डी है दूसरी वाली डी, दूसरी वाली डी में कोई सफेद दुपट्टा सिर पर डाले हुए ज्योति नाम की बहन जी बैठी होंगी, वो आ जाएं। हाँ आ जाइए, रो मत बहन, आ जाओ आप शीघ्र आ जाओ। अंगलाक्रम, राम 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 राम, साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। मन में सब लोग भजन करो हनुमान जी, ताकि आपके जीवन के मार्गदर्शन के लिए हमें प्रेरणा दें, और हमें जो वो प्रेरणा देंगे उस आधार पर हम आपको मार्गदर्शन देंगे। बाएं हाथ के पंडाल से भी हाँ बाएं हाथ के पंडाल से ही सामने में शिवम नाम का एक बालक, शिवम नाम का एक बालक विराजमान है, सफेद शर्ट पहने होगा। हाँ 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 हाँ, यू कम हेयर माय डियर, नो प्रॉब्लम बट क्विकली, बहुत जल्दी आ जाइए। साधु जी, साधु जी, हाँ टकले तुम बहुत दिमाग लगा रहे, आ जाओ खड़े हो जाओ, तुम बहुत बुद्धि चला रहे, बहुत मित्रण में खुसर खुसर कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम सुन ले, हमने सुन ले तुम आई, आ जाओ आ जाओ, बेल्ट उतार के पर्स लेके आओ आओ, हम देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। देखो हम बिल्कुल साफ कह देते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहिएगा, दिस इज वाई फाई वेरी हाई फाई, और भारत के लोगों के लिए यह एक आश्चर्य का विषय है पूरी दुनिया में, हाउ पॉसिबल, लगाओ अपनी बुद्धि, ये कैसे हो रहा है, लगाओ अपना तर्क, आज भी वीर बजरंग बली साक्षात हैं, ये उनके ही चरणों के प्रताप से। अगली अर्जी, राम राम, पंडाल के बाहर गुरुजी की प्रेरणानुसार पंडाल के बाहर में एक दादाजी घर से नारियल लेकर आए,
गोमुखी डाले होंगे, बड़े भैया घर पर कहलाते हैं, और आपने यहां पर भी कहा कि अगर आप सच में बालाजी हैं आज में आज भी तो हमारी अर्जी बाहर से बुला लें तब मानेंगे, आ जाओ तुम्हारी अर्जी लग चुकी है। इसके बाद अंगलाक्रम जिनको बुलाते जाएं वहां बैठाते जाओ नहीं तो भूल जाएंगे। राम, गुरुजी, ओ गुरुजी, हाँ यहां एक माताजी बच्चे को लेकर के बैठी हैं, शून्यपन है बच्चे को, हाँ जन्मजात दिक्कत है जी, आ जाइए आ जाइए। वो वृद्ध माताजी, वो बूढ़ी माताजी, उनको आने दो। राम राम राम, साधु जी, ओ साधु जी, यहां एक बालक पैदल चल करके आया घर से यहां तक, तुम्हारी भी अर्जी लग चुकी है, आ जाओ। और ये जो झंडा लिए तुम भी आ जाओ सामने में, जो झंडा लिए बैठे, हाँ हाँ चश्मा लगाए हुए, पीछे चश्मा लगाए, सिर पे तौलिया बांधे, झंडा लिए, आ जाओ भैया, साथ में अगर कोई भी हो तो लेकर के आना। क्या गजब के स्टाइल से झंडा लगाए तुम, अच्छा ये पकड़े थोड़ी है, बुस्केट में यहां बांधे, ऐसे लोग हरसूद में ही पाए जाते हैं। जब ऐसी प्रतिभा तुम्हें दिखने लगे समझ लेना तुम हरसूद में घुस गए, और नए हरसूद में, पुराना तो डूब गया। अंगलाक्रम, राम 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 राम, गुरुजी सीताराम, हाँ अगले क्रम में गुरुजी की प्रेरणा अनुसार सामने में ही दिव्या नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है, और हाँ 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 छोटी बच्ची लिए, यस आ जाइए। आ जाइए, चलिए, सब लोग मन में राम नाम जपो, सबकी अर्जी स्वीकार होगी, प्रचार बने या ना बने पर सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार होगी, तुम चिंता मत करो। पहला क्रम भेजो भैया, इतने आओ तो पहले हमारा जो पेन उठा दे, बस 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 बस, ऐसा ना कर यार, भगवान के पांव पर हम तो मुंह रखें, हमारे प्रणाम कर, थैंक यू वेरी मच, इतने बैठ जाओ, मुंह बालाजी तरफ करो, बालाजी तरफ देखो, थोड़ा नजदीक आओ, माइक लो, कहां से हो? बरोड़ ग्राम से हूँ सर। कहाँ पड़ता है ये? अपनी हरसूद तहसील में पड़ता है, हरसूद तहसील। हरसूद में ही? जी। मतलब यही आसपास? जी पास के। अच्छा पहली बार आए? जी पहली बार। क्या नाम है? अरुण मुकादी। अच्छा हमने तुम्हें बुलाया है क्या? जी सर। आई एम सॉरी, पढ़े लिखे हो? जी। राम राम सीता, पहली बार आए? जी। आपने किसी को अपना नाम आम तो नहीं बताया था? नहीं। हमें कैसे पता लगा? पंडित जी आप तो अंतर्यामी है। हाँ हाँ ऐसे ही होते संत का यहाँ फिरते हैं अंत। नहीं। आओ बकरी में अकड़े आओ, बोलो क्या समाधान पाना चाहते? सबसे पंडित जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं गरीबी से बहुत जूझ रहा हूँ। हम भी जूझ रहे हैं। और बोलो। बस ये है कि और अपना कोई भी काम जैसे करना चाहते, क्या करना चाहते हो? कोई भी अपना बिजनेस। काय का? अभी तो मैं सर ओनली एमपी ऑनलाइन की दुकान है मेरी। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हम कैसे माने कि आपकी अर्जी लिखी लगी? तो तुम्हारे पिताजी का भी नाम शायद लिखकर पर्चे पर आया है। आया। क्या नाम? बंसीधर जी मुकाती। पढ़ो। आपके घर में धन की हैरानी 2019 से बनी आय स्रोत नहीं है, बहुत परेशान है, दुकान चलेगी कृपा होगी, आप बंसीधर के पुत्र हैं,
जी सर जी पंडित जी, सीताराम सीताराम। नंबर दो, जमीनी काम प्रारंभ कर दो तो आपका आय का स्रोत उन्नत कर जाएगा, स्वयं के भवन का सपना पूर्ण हो जाएगा, वह वाहन 2024 में लिप जाएगा, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम, यही चाह रहे थे जी? बिल्कुल यही चाह रहे थे जी पंडित जी। कोई संदेह? नहीं सर। बोलो सीताराम सीताराम। ये मंत्र है पर देखो भाई, साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। कोई भी भूत बाधा नहीं है, मन स्थिर नहीं रहता जी। जिस कारण से बहुत ज्यादा उच्चाटित हो जाता। पूर्व में अनेक उपाय आपने टोटका संबंधित किए पर किसी का भी प्रतिफल पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ। सही। नंबर दूसरा, पेट की पीड़ा में भी आपको आराम लगेगा, सिर का बोझ बनना भी ठीक हो जाएगा। नंबर तीसरा, आप व्यापारकार पार्टनरशिप में किसी भी व्यक्ति के साथ, आपका चूंकि पहले सपना कोई ऐप बनाने का था, ऐप से संबंधित कार्य डालने का था, ऑनलाइन मार्केटिंग बड़ा करने का था, लेकिन उसका रास्ता नहीं निकल पाया, तो जमीनी काम आप प्रारंभ कर दें, इसमें ही सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बिल्कुल नहीं। ये हमने मंत्र लिखा, विधि लिखी, तीन माय धाम की पेशी, कवच हम उतई दे देवी, बाकी उपद्री तो तुम भी हो पर शंकर जी के भक्त हो। कौन है तुम्हारे आराध्य? सर वैसे तो मैं राम जी को ज्यादा मानता हूँ जी। अच्छा जी। स्थापना किसकी की? ये आ गया, इस पे भी पढ़ सकते हैं टीवी पे। अभी घर में गणेश जी बिठाए हैं मैंने जी। लो ये हमने तुम्हारे घर की डिटेल दी। राम सीताराम, राम सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। लो भाई साहब, घर के पूजा स्थल में शिवलिंग अलमारी में दूसरे नंबर की में आपने रख रखा है, शिव मंदिर में भी अकौवा का पुष्प चढ़ा करके प्रार्थना की थी कि हम पर कृपा बनी रहे जी। बिल्कुल पंडित जी मैंने की थी और आपके दर्शन भी हो गए हैं, यही प्रार्थना करी थी शंकर जी से जी। जी बिल्कुल, ये वर्णन है उसका। जो भी बताया जाएगा फैक्ट सहित बताया जाएगा। और आपने ये कहा था कि हे भोलेनाथ हमारी सुन लइयो, उतने मिलवो तो मुश्किल है, बहुत भीड़ हो, लेकिन हमें एक बार मिलना है, नजदीक जाना है, चाहे जैसे पहुंचे शंकर जी एक बार हमारी सुन लो। तुमने ये कोने के मंदिर पर जाकर के कहा था जी पंडित जी, कहा था। अगला क्रम पंडित जी, धन्य हो गया मैं आज आपके दर्शन। अरे हाँ भैया, धन्य तो बालाजी है, उनकी दया है। सीताराम सीताराम, जाओ आइयो तुम धाम आइयो, मैं उपाय कर दे और कवच दे दे हूँ तुम्हें, और जाते हैं आगे बढ़ जा, तोरी चार चांद लग जाए जिंदगी में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की।